वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अभी आ चुका हूँ एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट में आ चुका हूँ और आप देख सकते हो मैं एयरपोर्ट के अंदर भी आ चुका हूँ। बोर्डिंग पास भी मुझे मिल चुका है, ये देख सकते हो बोर्डिंग पास गाइस। सो मैं अभी सिक्योरिटी चेकिंग के अंदर भी हो चुका हूँ और मैं अभी थोड़ा कुछ और प्रोसेस है जो मैं करने के बाद मैं आप लोग से गाइस फ्री होने के बाद मैं मिलता हूँ। अभी मैं थोड़ा सा बिजी भी हूँ और मुझे अभी सिक्योरिटी चेकिंग में अपना सारा सामान निकाल के फिर मुझे वो कलेक्ट भी करना है गाइस। तो आप मेरे साथ बने रहो, मैं आ चुका हूँ एयरपोर्ट, मैं आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ। टाइम नहीं मिल रहा था इसलिए सॉरी गाइस, मैं आपको बाहर का नहीं दिखा पाया। सो मैं अंदर आ चुका हूँ, सो आप देखो और मेरे साथ बने रहो गाइस। ओके, हूँ अपने चेकिंग करवा के मैं अंदर आ चुका हूँ और मैं अभी आप देख सकते हो मेरा अभी बोर्डिंग टाइम है, ये मेरा बोर्डिंग टाइम 5:45 है। सो मैं उसके लिए वेट कर रहा हूँ गाइस। सो आप देख सकते हो मैं एंटर कर चुका हूँ अंदर भी और बहुत सारे यहाँ पे बहुत भीड़ है और यहाँ पे बहुत अच्छा भी लग रहा है क्योंकि ये मतलब कि मुझे लगता है इंडिया का सबसे बेस्ट और सबसे क्लीनेस्ट एयरपोर्ट जिसे मैं बोल सकता हूँ। और ये बहुत बड़ा है, इंडिया का मुझे लगता है ये सबसे बिगेस्ट एयरपोर्ट है, मुझे ऐसा लग रहा है भाई देखने से। और यहाँ पे तो ये इट इज़ लुकिंग लाइक मॉल एंड देर इज़ सो मच क्राउड, यहाँ पे बहुत क्राउड है गाइस। सो मैं आपको उसके बाद फिर मैं बोर्डिंग के बाद में आपको दिखाने वाला हूँ अंदर का, अंदर मतलब कि वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा मतलब एयरप्लेन में जब मैं बैठ जाऊँगा आराम से गाइस। सो आप देख सकते हो यहाँ पे लंच डिनर सब कुछ आप कर सकते हो, यहाँ पे बहुत कुछ परचेज भी आप कर सकते हो। पिज़्ज़ा हट भी है गाइस, पिज़्ज़ा हट जिसे हम बहुत लाइक करते हैं, सारे लोग यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। सो आप देख सकते हो और मैं मतलब ये इट इज़ लुकिंग लाइक अ मॉल ओनली, मतलब एक मॉल कैसे होता है जिस मॉल को हम लोग विजिट करते हैं, यहाँ पे हर चीज़ भी है, ऑल टाइप्स ऑफ ब्रांड ऑफ ड्रेसेस, ड्रेस भी सब ब्रांड का है और यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है गाइस ये वाले एयरपोर्ट में। सो ये एयरपोर्ट ही मेरा सबसे बेस्ट एयरपोर्ट आज तक है, आप देख सकते हो। मेरा बोर्डिंग टाइम शायद स्टार्ट होने वाला है तो मैं बोर्डिंग कराने के बाद फिर मैं अंदर जाऊंगा तो मैं आप लोगों को और भी कुछ दिखाने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, इट इज़ लुकिंग लाइक अ मॉल, यू विल नॉट फील एनी बोरिंग, कुछ बोर आपको ऐसा कुछ लग रहा है, आपको ऐसा कुछ लगने नहीं वाला है यहाँ पे कि बोर हो रहा हो या कुछ ऐसा, भूख वो सब चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे, मुझे तो सब चीज़ दिख रहा है। आप यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक और यहाँ पे बहुत कुछ फ्रेश एंड हेल्दी भी है, पिज़्ज़ा हट है मैं बता चुका हूँ, जैसे कि कैफ एंड एक्सप्रेसो और बहुत कुछ अवेलेबल है। सो गाइस आप देख सकते हो, पर मेरा अभी कुछ भी खाने का मूड नहीं है इसलिए मैं अभी कुछ खाने वाला नहीं हूँ गाइस। मैं आपको अंदर जाके कर मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो बने रहो गाइस। ओके, सो गाइस मेरा गेट नंबर 32 वो अभी चेंज हो चुका है, मेरा गेट नंबर 35, ये लोग कन्फ्यूज बहुत चल रहे हैं अभी। सो मुझे अभी तुरंत मैसेज आया कि आप गेट नंबर 35 पे जाओ क्योंकि वहाँ पे ही मेरा बोर्डिंग चालू होगा, वहीं से ही मेरा बोर्डिंग होगा। सो मैं गेट नंबर 35 पे आ चुका हूँ, देख सकते हो मेरा सीट चेंज में आगे बैठ चुका हूँ अब। सो मेरे साथ बने रहो गाइस, मैं आपको बताते रहूँगा आगे आगे क्या क्या होने वाला है। अब एक मजाक टाइप का माहौल बन चुका है क्योंकि ऐसा ऐसे बात हो रहा है क्योंकि बोर्डिंग चेंज हो रहा है, गेट सब चेंज हो रहा है तो एग्जैक्ट टाइम पे इसलिए बैठा हुआ हूँ। सो आप मेरे साथ बने रहो, मैं आपको और बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ गाइस। मैं सुराग के मुख्य पारिवेशिका हूँ और मेरे साथ आपकी सेवा में पारिवेशन भी मेरे ऊपर सुनवा है। गोपाल से आते करने के लिए हम आपके आभार हैं क्योंकि हमारे उत्तर का खाना दीजिए धन्यवाद। अपने गुड इवनिंग जी लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम ऑन बोर्ड दिस गोपाल फ्लाइट GA237 जिसका पास है रांची। अप्लाई के रांची सब बाहर का शूट करके दिखा सकता हूँ क्योंकि मेरा विंडो सीट नहीं है गाइस। सो मैं आपको थोड़ा सा बाहर का शूट कर सकता हूँ और मेरे से जो पॉसिबिलिटी हो सकती है मैं आपको वो दिखाऊंगा। सो आप मेरे साथ बने रहो। ओके,
चुका है, मेरा प्लेन लैंड करने वाला है, मैं प्लेन इज लैंडिंग नाउ और मेरा मैं कराची पहुँच ही गया हूँ पूरा पूरी, क्योंकि अभी एक दो मिनट ही बचा है, 8 बजे का लैंडिंग टाइम था, सो एक दो मिनट बचा हुआ, सो प्लेन लैंड कर चुका है, करने ही वाला है, सो लैंड करने के बाद मैं आप लोग से फिर बात करूँगा गाइस। रांची एयरपोर्ट ऑल्सो, सो आप बने रहो, मैं आपको रांची एयरपोर्ट भी दिखाने वाला हूँ कैसा। सो बी हैप्पी गाइस, ओके टेक केयर, मैं आपको भी दिखाऊंगा रांची एयरपोर्ट, ओके। वैसे रांची और दिल्ली एयरपोर्ट में बहुत फ़र्क है, दिल्ली एयरपोर्ट इज़ लाइक अ मॉल एंड रांची एयरपोर्ट का मुझे रांची एयरपोर्ट कैसा होगा वो आपको देख लेना, ओके। देर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बहुत डिफरेंस है गाइस, सो देख सकते हो हमारा प्लेन लैंड हो रहा है, प्लेन एकदम तेज़ी से नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। मैं रांची पहुँच चुका,